दोस्तों मैं एजाज अहमद, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखते होंगे। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आजम खान को 3 साल की सजा और 25,000 की जुर्माना उन पर लगाया गया है। उन पर आरोप है कि 2019 अप्रैल 2019 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उस वक्त के यूपी के ही जिला अधिकारी के ऊपर नफरत भरा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस वीडियो को देख करके चुनाव आयोग ने कहा कि मैं इस वीडियो को देखा हूं और उनके आदेश पर, चुनाव आयोग के आदेश पर FIR हुआ और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। रिजल्ट आया और कोर्ट ने सज़ा सुनाई कि 3 साल की सज़ा और 25,000 का जुर्माना। हालांकि सज़ा में जो धाराएं लगाई गई थी उसमें उनको मिल गई, जमानत मिल गई कोर्ट से, और उनको एक हफ्ते की टाइम भी दिया गया है कि आप इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उनका कहना है कि हाँ, उनके लड़का का भी कहना है कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। देखने वाली बात यह है कि चलो कम से कम ये तो हुआ, स्वागत है, ठीक है, अच्छा है, हेड स्पीच के मामले में सजा सुनाई गया। लेकिन इससे पहले भी उनके बावजूद जो बहुत सारे लोग हेड स्पीच दे चुके हैं, हालांकि इसका बहुत जब बुरा इफेक्ट भी पड़ा है, तो क्या उनके ऊपर भी आप इस तरह का मामला, उनके ऊपर भी सजा होगा या अब आने वाले टाइम पे लोग इससे सबक लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कानून यह है कि अगर किसी भी विधायक को अगर 2 साल से ऊपर की सज़ा होती है तो वो उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है और 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये कानून है, अब इसके खिलाफ इनको जस्ट एक हफ्ते के फटाक से इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक स्टे डालनी पड़ेगी और वहाँ अपील करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि जो स्वागत है, अच्छा है, हेड स्पीच है, किसी को तकलीफ हुई तो इसके बिल्कुल होनी चाहिए, स्वागत है। लेकिन इसके अलावा जो और लोग आए दिन देते होते हैं धर्म विशेष के नाम पकड़ कर, नाम ले कर के गोली मारो -, गद्दारों को गोली मारो -, और बहुत सारे जो आप लोगों के आंखों के सामने हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाए। और बाकी जो अब जो देंगे वो लोगों के लिए एक सबक है, उससे जो लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं वो इससे सबक हासिल करें, और अगर ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई, सख्त सख्त कार्रवाई हो ताकि और भी लोगों पर असर पड़े। शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।